हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको MyGov पर अकाउंट को कैसे रजिस्टर या फिर लॉगिन करना है। तो इसके लिए आपको MyGov की वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपके पास टू ऑप्शंस आएंगे, लॉगिन का और रजिस्टर का। अगर तो आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब मैं रजिस्टर करके दिखाती हूँ आपको। रजिस्टर पर क्लिक किया तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर का यूज़ करके आपका अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने अपने ईमेल को, नेम को, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, हैव अ रेफरल कोड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कोड को फिल करना है। तो मैं जूम कर बता देती हूँ। तो यहाँ पर है प्लीज़ एंटर रेफरल कोड। तो आपको आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है कोड, तो आपने ये फिल कर देना है, EOFDTV। इसको फिल करने से आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। देन क्लिक करने से पहले आपने एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपने सभी डिटेल्स को फिल सही किया है या नहीं। चेक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक OTP आएगा। अगर आपने ईमेल से किया तो ईमेल पर आएगा। जैसे कि मैंने ईमेल से किया तो मैंने जीमेल खोल ली अपनी। अगर आपने फ़ोन नंबर से किया है तो आपके पास फ़ोन नंबर में मैसेज आएगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो एक बार आप ऑल मेल्स या फिर स्पैम फोल्डर में चेक कर लेना। तो जैसे कि मेरा आ चुका है तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने अपना OTP को फिल कर दिया। देन फिल करने के बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका अकाउंट जो है बन चुका है। अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपको अकाउंट को लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए आपको उसी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको अब लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे कि आपका अकाउंट जो है बन चुका है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर को फिल करना है। तो जैसे कि मैंने ईमेल आईडी से एक अकाउंट को क्रिएट किया था तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर रही हूँ। अब ईमेल आईडी को फिल करने के बाद आपने लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। तो आपके पास सेम प्रोसेस में OTP अब आएगा। अगर आपने फ़ोन नंबर को फिल किया तो आपके पास फ़ोन नंबर पे आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी किया तो आपके पास जीमेल पर आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आ चुका है, तो इसको मैं अपने यहाँ पर फिल करूँगी। फिल करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप OTP को फिल करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोडिंग हो रहा है। तो लोड होने के बाद आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। सो नमस्ते, वेलकम टू MyGov। तो अब ये कह रहा है कि आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपको ये सभी डिटेल्स को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको ढेरों सारे कॉम्पिटिशन्स, कंटेस्ट, क्विजेस वगैरह मिलेंगे। जैसे कि आप डू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सभी कॉम्पिटिशन्स जो ऑनगोइंग है वो आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सभी कॉम्पिटिशन अब ओपन है, तो आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। सो सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट भी कर देना। थैंक यू।